हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विकास सिंह और हैप्पी मेकअप मंडे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिगनर्स मेकअप किट। या बहुत जरूरी है कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो मेकअप करना, तो आपको कौन कौन सी चीज मार्केट में अच्छी है और कौन कौन सी चीज आप अफोर्डेबल प्राइस में बाय कर सकते हो जो कि अच्छी है, सो वही मैं आज आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्राइमर की। सो प्राइमर के लिए आप लैक्मे का जो एक एलोवेरा जेल टाइप आता है वो भी यूज कर सकते हो अगर आप बिगनर्स हो तो। और अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में देखना चाहते हो तो आप ये ब्लू हेवन का भी प्राइमर यूज कर सकते हो। सो आज मैंने ये जो आपको मेकअप दिख रहा है इन्हीं सारे प्रोडक्ट को यूज करके किया है और वो वीडियो भी इस वीडियो के जस्ट बाद आएगा। सो आई होप आप लोगों को पसंद आए वो वीडियो भी। सो ये मैंने वो यही यूज किया है प्राइमर। अच्छा प्राइमर है, सफिशियंट है, बट ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और इसमें पैराबेंस है, बट बाकी वर्क अच्छे से करता है। सो आई लाइक इट, अफोर्डेबल प्राइस में ये प्राइमर अच्छा है। सो फाउंडेशन के लिए मैं आप लोगों को दो फाउंडेशन सजेस्ट करूंगी। जैसे कि अगर आपकी इवन स्किन है, ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, तो आप ये जो कुशन फाउंडेशन है ना वेट एंड वाइल्ड का, ये यूज कर सकते हो। माय गॉड, अमेजिंग है। पूरे दिन रहता है आपके फेस पर, कुछ भी नहीं होता, आपकी स्किन में क्रीज भी नहीं आती, मतलब इतना लाइट वेट है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फाउंडेशन अप्लाई किया है कुछ भी। सो बहुत अच्छा है। अगर आपको अपना मेकअप टचअप करना हो तब भी आप इसको अपने बैग में कैरी कर सकते हो। इट्स अमेजिंग, जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। सो आई डेफिनेटली, अगर आप टीनेजर हो, आप मेकअप करना स्टार्ट कर रहे हो, हाँ इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है बट हमेशा डिस्काउंट पे मिल जाता ही है आपको। सो आप ये जरूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बाहर से धूप आती है तो थोड़ा सा येलोनेस हो जाती है। खैर, सेकंड मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड फाउंडेशन, फोटो फोकस फाउंडेशन। सो ये फाउंडेशन भी मुझे बहुत पसंद आया, काफी टाइम तक आपके फेस पर रहता है, अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा मैट नहीं है। मुझे ज्यादा मैट पसंद नहीं है, सो इसलिए मुझे ये फाउंडेशन पसंद आया। लिटिल बिट ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी। मुझे लगता है मुझे सारे फाउंडेशन थोड़े से ऑक्सीडाइज होते हैं, सो जबकि मेरी ड्राई स्किन है उसके बाद भी, बट फिर भी ये भी होता है, तो इसीलिए मैंने एक शेड लाइट लिया है। बट एक बार अच्छे से अप्लाई कर लूँ तो अच्छे से सेट हो जाता है। सो मैं सेकेंड रिकमेंड करूंगी ये वाला फाउंडेशन। और अगर आप इससे ऊंची रेंज में देखना चाहते हैं तो जो लॉरियल का 24 आवर फ्रेश वाटर फाउंडेशन जो अभी नया आया वो बहुत अच्छा है। मैंने ट्राई किया था बट मेरा शेड अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसको उससे थोड़ा सा लाइट शेड वहां पे अप्लाई करके, जो यहाँ पे शॉप होती है वहां पे अप्लाई करके देखा, तो ओ माय गॉड बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा है। सो अगर मेरे शेड अवेलेबल होगा तो मैं उसका रिव्यू आप लोगों को जरूर दूंगी, वो बहुत अच्छा है अगर आप थोड़ा सा हाई प्राइस में देखना चाहते हैं तो, क्योंकि ये तो आपको शायद 400-500 रुपीज में मिल जाएगा, उसका प्राइस अराउंड 1400 रुपीज है शायद। सो इसीलिए स्टार्टिंग के लिए ये फाउंडेशन भी अच्छा है। सो हम बात करते हैं कंसीलर की। कंसीलर के लिए मैं, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर है ये एलेगल का, ऑलमोस्ट फिनिश्ड होने वाला है और यहाँ पे ये मार्केट में मिलता नहीं है, मुझे ऑनलाइन मंगाना होगा। मेरा शेड है प्योर बेज करके, प्योर बेज है शेड है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से डार्क सर्कल्स कवर करता है। और अगर आप कलर करेक्टर यूज करना चाहते हो ना, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। मैं करती हूँ कभी कभी ऑरेंज कलर का, तो वो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हम पाउडर की बात करते हैं। पाउडर में मैं दो ऑप्शन लेकर आई हूँ, एक ये लैक्मे का सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट है, ये भी अच्छा है, डिसेंट वर्क करता है। बिगनर हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें लेने की जरूरत नहीं, तो उसके लिए ये वाला अच्छा है। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है, क्रीज होता है यहाँ पे आपका फाउंडेशन या यहाँ पे हंसने की वजह से, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी ये मेबलिन का पाउडर, अगर आप थोड़े हाई रेंज में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी आपको 600 रुपीज समथिंग में मिलेगा। बट ओ माई गॉड, ये आपको एटलीस्ट अगर आप कम मेकअप यूज करते हो तो 2 साल आराम से चलेगा। इसकी वैलिडिटी आई थिंक 24 मंथ्स की है, सो आपको 2 साल आराम से चलेगा। सो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पाउडर। मैंने थोड़ा कम यूज किया है बट मुझे जब भी मैंने यूज किया बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इसका, सो मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगी। देन इसके बाद हम बात करते हैं अपने फेस की बात कर रहे हैं, मतलब ब्लश हाइलाइटर इसके लिए। सो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी मेबलिन का ये ट्रायो वाला पैलेट, फेस पैलेट। इसमें ये थोड़ा लाइट शेड वाला लिया था मैंने, क्योंकि मैं जब डार्क कलर का कॉन्टोर शेड यूज करती हूँ तो मेरा फेस अजीब सा हो जाता है, मडी मडी टाइप लगता है, मुझे वो पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ये। और इसका जो ब्लश है वो मुझे बहुत पसंद है, आज मैंने अप्लाई किया, बहुत अच्छा लगता है।
इसी से मैंने अपना पूरा आई मेकअप किया है, फेस मेकअप किया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी से इसके बाद जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो जल्दी से देख लेना। सो इसी से मैंने कॉन्टोर ब्लश हाईलाइट किया, ये मैं रिकमेंड करूंगी। बट अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सो अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, ये रोज इन द ईयर वाला पैलेट है। बेसिक कलर्स हैं जो आपको डेली में, और इवन अगर आप पार्टी में जाना चाहते हो तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसके भी मैं आपको आई मेकअप या फिर इंटरनेट पर बहुत सारे इस वाले पैलेट के आई मेकअप अवेलेबल होंगे तो आप देख सकते हो। बहुत कॉमन है और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा पिगमेंटेड। इसका एक आध शेड है जो ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बाकी बहुत अच्छा है ये। इसके बाद हाइलाइटर के लिए मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आप सिंगल सिंगल चीजें लेना चाहते हो तो, अगर आप ये पैलेट लेना चाहते हो तो बात अलग है, बट अगर आप सिंगल सिंगल चीज लेना चाहते हो तो हाइलाइटर के लिए मैं रिकमेंड करूंगी ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाईलाइटर। सो आई लव दिस हाइलाइटर। इसका मैंने रिव्यू अपने चैनल पर दिया हुआ है, अभी नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके देख लो, सो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट है ब्लश। ब्लश के लिए अफोर्डेबल प्राइस में ये एसेंस के ब्लश बहुत अच्छे हैं। आई थिंक ये आपको 200 समथिंग या पता नहीं कितने मिल जाएंगे। यहाँ तो मुझे यूके में एक पाउंड मिला। ओह माय गॉड, फिर लाइट की प्रॉब्लम होने लगी, सॉरी गाइस। इट्स लाइक धूप आती है तो थोड़ा सा हो जाता है। सो ब्लश के लिए ये मैंने एक पाउंड में लिया था, बहुत अच्छा है। ये वाला शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें अभी समझ नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ। सी आई डोंट नो आप देख पा रहे हो या नहीं है, बट हाँ ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। मैं आपको मेंशन कर दूँ ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट अगर आप मेकअप इसको अप्लाई करके मेकअप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लेते हैं तो शायद ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। बट अगर सिंपली आप अप्लाई करेंगे और छोड़ देंगे तो ये उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बट यार ये 100, 100 या 200 रुपये में मिल जाता है, उसमें तो ये अच्छा है। सो बिगनर्स के लिए जब आप स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट करते हो तब आपको ऐसे ही प्रोडक्ट लेने चाहिए। आपको अपने बेस प्रोडक्ट बस अच्छे रखने चाहिए जिससे कि आपकी स्किन पे कोई भी रिएक्शन ना हो। और आईलाइनर के लिए बहुत सारे आईलाइनर अवेलेबल हैं मार्केट में, मैंने बहुत पहले यूज़ करे हैं। लाइक शुगर का मैंने आईलाइनर यूज़ किया है, और भी आईलाइनर यूज़ करे, बट यूके में मुझे वो जो प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। सो मैं अभी फिलहाल मेकअप रेवोल्यूशन का आईलाइनर यूज़ करती हूँ। लुक एट दिस पैकेजिंग, इसकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो आप लाइनर तो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी अफोर्डेबल प्राइस में भी देख सकते हैं। इवन अगर आप सीखने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप लैक्मे का जो एक 100 रुपीज का लाइनर की बॉटल आती है ना, जो नेल पेंट जैसी होती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा है वो भी सीखने के लिए, पर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं, बट ये वाटर प्रूफ है। पर इसके बाद हम बात करते हैं मस्कारा की। तो मस्कारा के लिए मैं सजेस्ट करूंगी दो, दिस इज माई वन ऑफ द बेस्ट और सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे मेबलिन का लेस सेंसेशनल मस्कारा। ओ माई गॉड, आप अपनी लैशेस को कर्ल कर लीजिए फिर ये अप्लाई करियो, इट्स लाइक आपके आईज एकदम इतनी बड़ी बड़ी लगने लगेंगी। सो आई लाइक दिस वन। और इसमें दोनों वेरियंट आते हैं, लाइक वॉशेबल भी और वाटर प्रूफ भी। मेरे पास ये वाटर प्रूफ वाला है। और एक और मैं सजेस्ट करूंगी, अगर अफोर्डेबल प्राइस में डेली यूज करने के लिए आप देखते हैं तो ये एसेंस का ये वॉल्यूम स्टाइलिस्ट 18 आवर लैश एक्सटेंशन मस्कारा, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ये मुझे पसंद है डेली में। अगर आप वाटरप्रूफ नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। और आई थिंक 250 रुपये में, 250 रुपीज में आ जाता है। अगर आपकी लैशेस बड़ी बड़ी है तब तो ठीक है, अगर नहीं है और आप फॉल्स लैशेस नहीं लगाते हो तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आप ये लैश कर्लर। मैंने आईलाइनर आपको सजेस्ट किया था, और एक और मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ, वो है ये मेबलिन का जेल आईलाइनर, जो आप सोचेंगे एकदम नया हुआ है क्योंकि मैंने इसका ब्रश कभी यूज़ ही नहीं किया। आज मैं देख रही थी तो इसका ब्रश मुझे मिल गया। इसका ब्रश ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, सो मैं इसको सिंपल अपने जो ब्रश होते हैं उसे यूज़ करती हूँ, उसे आप लाइनर। और हाँ, मैं काजल कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस काजल के साथ प्रॉब्लम है, मेरे आंसू आते हैं इसलिए मैं काजल यूज़ नहीं करती। बट अगर मुझे कभी लगाना होता है तो मैं इसी को अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लेती हूँ थिक कंसिस्टेंसी में, तो ये अच्छे से वर्क करता है। सो ये मेबलिन का जेल आईलाइनर भी सजेस्ट करूंगी। अगर आप अच्छा जेल लाइनर देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। सो लिप्स के लिए, लिप लाइनर के लिए मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दो लिप लाइनर आपको सजेस्ट करूंगी। एक है मिस क्लेयर के लिप लाइनर, बहुत अच्छे हैं। मैं जब शादी करके आई थी तब मैं वही यूज़ करती थी, मुझे बहुत पसंद थे वो। बट अभी पता नहीं मेरा मिल नहीं रहा है तो मैंने कहा कि वो। और सेकेंडली सजेस्ट करूँगी NY के लिप लाइनर्स हैं, ये भी आपको 40-50 रुपीज़ में मिल जाएंगे आफ्टर डिस्काउंट।
सो आई थिंक अफोर्डेबल प्राइस में ये भी बहुत अच्छे हैं मेरे पास. इसमें ये शेड है विलेज हेलोबीन परेड करके, प्यारा सा पिंक कलर है. आईब्रो के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं कर सकती आप लोगों को क्योंकि मैं खुद ही सिर्फ आईब्रो मस्कारा यूज करती हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे जो आईब्रोज हैं उनमें ना गैप वगैरह नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको अप्लाई कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता कि उसको बनाना है या ड्रामेटिक बनाना है, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती सेटल सी. सो मैं ये यूज़ करती हूँ. मैंने आप लोगों को एक चीज़ मिस कर दी, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो मेकअप है बेस मेकअप है अप्लाई ब्रश की जगह ब्यूटी ब्लेंडर से करें, और ब्रश से भी कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा अच्छा मतलब फिनिश देता है, ज़्यादा स्मूथ फिनिश देता है. सो मैं ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं बट मैंने अभी लास्ट श्रेया जैन जो यूट्यूबर है उनका वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था ब्लू हेवन के ब्यूटी ब्लेंडर का उन्होंने सजेस्ट किया था. वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी. उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस ब्यूटी ब्लेंडर को, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, आई थिंक 150 रुपीज़ या 200 ऐसी कुछ रुपीज़ में है. सो वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, और अगर आप, और श्रेया जैन ने बताया था कि वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे से वर्क करते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, और उन्होंने काफ़ी टाइम से यूज़ कर रखे हैं, तो आप डेफिनेटली वो वीडियो ज़रूर चेक करिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वो आप ट्राई कर सकते हो अपने बेस मेकअप के लिए. अब लास्ट बचा है लिपस्टिक. लिपस्टिक के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी लिपस्टिक यूज़ करें, हमेशा याद रखें कि आपके पास कुछ 4-5 शेड होने चाहिए, जैसे कि एक रेड, एक पिंक, एक न्यूड कलर, एक पर्पलिश पिंक कलर, एक कोरल कलर, इस तरीके के कलर होंगे ना आपके पास, तो बस आपका, आप फिर मिक्स एंड मैच कर सकते हो उसी को, मिक्स एंड मैच कर सकते हो. सो मैं आप लोगों को कुछ, सबसे पहले जो लिपस्टिक सजेस्ट करूंगी, ये जो मिस क्लेयर की लिप क्रीम्स आती है ना, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. सो इसमें मेरे पास जो शेड है वो 13 है. सो यही जो मैंने अपने लिप्स पर अप्लाई किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है डेली में लगाने में. मुझे अगर अफोर्डेबल प्राइस में बोला जाए तो ये आलेटीन की भी 100 रुपीज़ वाली लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती हैं. सो इसमें मेरे पास शेड है, जो एक जो शेड है वो है मोवी डेट, ये मेरा बहुत फेवरेट शेड है. लुक एट दिस. इसके अलावा रेड शेड में मेरे पास ये मेबलिन की जो लिप क्रीम्स आती थी ना, नहीं लिप क्रीम्स नहीं, हाँ क्रीमी मैट लिपस्टिक आती थी उसका रेड कलर. इसके बाद हाँ, ये 9 to 5 रेंज की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं लैक्मे की, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट काफ़ी देर तक आपके लिप्स पर रहेंगी. सो ये मुझे 9 to 5 तक तो नहीं रहती बट हाँ काफ़ी टाइम तक रहती है, इसलिए मुझे पसंद है. इसमें पहले मेरे पास एक और शेड था न्यूडी पिंक कलर का, अब मेरे पास ये कोरल शेड है, ये भी बहुत सुंदर है. सी मैं आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में सजेस्ट करूंगी ये एन बाय बी की लिपस्टिक्स. सो मेरे पास बहुत सारी हैं, इनके मैंने रिव्यू भी दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डिटेल में रिव्यू दिया हुआ है. सो ये भी मुझे काफ़ी पसंद है. एक लिपस्टिक तो मैंने ऑलमोस्ट आधी कर दी है, इतनी पसंद आई थी ये मुझे, डेली में लगाने के लिए अच्छी है. हाँ ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो आपको हर 2-3 आवर्स में इसको अप्लाई करना होगा, बट इसको रीअप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप डेफिनेटली इसको रीअप्लाई कर सकते हो. तो आप अगर कॉलेज गोइंग हो या फिर मतलब अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए तो आप ये चेक कर सकते हो. और लास्ट में सजेस्ट करूंगी मैं ये स्टे कुर्की की लिक्विड लिपस्टिक, जो कि कृष्णा मेहता के साथ कोलैब के साथ आई थी, उसमें ये जो ऑरेंज कलर है ये रेडिश ऑरेंज कलर है, सो ये मुझे काफ़ी पसंद है. तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और कोई पार्टी वेयर लुक चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, उसका कलर काफ़ी सुंदर है. सो और ये गाइज मैं भूल गई, मैंने आपको सेटिंग स्प्रे सजेस्ट नहीं किया. सेटिंग स्प्रे के लिए सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी एसेंस का सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको यूज़ किया है लाइक दिस अमाउंट, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया बट मैंने इसको इतना यूज़ किया है, उसमें मुझे अच्छा लगा, सो इसलिए मैं सजेस्ट करूँ. और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 300 रुपीज़ में आ जाता है. अगर इंडिया में अवेलेबल होगा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी क्योंकि मैंने इसको यहाँ से परचेज किया था. और सेकेंडली मैं सजेस्ट करूँगी ये कप रेवोल्यूशन का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे. सो ये हाइरोलोनिक फिक्स है और ये आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट, बहुत ग्लोइंग, अगर आपको पार्टी वेयर और ये सब लुक चाहिए ना तो मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगी. और वो काफ़ी टाइम तक चलता है ये,
ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, यहाँ तो मुझे आई थिंक 4 या 5 pound में मिल गया था, आई डोंट नो इंडिया में कितना है, बट अगर इसका प्राइस जो इंडिया में होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा, इससे बहुत अच्छा विद इन मतलब सेकेंड इतना अच्छा ग्लो आ जाता है ना, इवन अगर आप किसी लॉन्ग इवेंट के लिए जा रहे हैं और उसके बाद अगर आपको बीच में लगता है कि टायर्ड फेस दिख रहा है आपका, तो आप बस इसको अप्लाई कर ले, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। सो गाइस आई होप आप लोगों को ये बिगनर मेकअप किट अच्छा लगा हो, अगर लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आप किस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हो मेकअप वीडियोज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वन मोर थिंग, इस वीडियो के जस्ट बाद आपको ये वाला मेकअप का भी वीडियो आएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।